बानी है। अब तक हमने जितनी भी सरगमें की हैं, वो नॉर्मल स्वरों पर की हैं, जैसे कि ये थी सिंपल सरगम। लेकिन जब राग की बात आती है तो राग में, स्पेशली भैरवी राग में जो है, उसमें कुछ स्वर चेंज होते हैं, यानी कि कोमल स्वर लगेंगे, रे, गा, धा, नी। ये चार स्वर कोमल होंगे, सा, मा, पा सेम रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कोमल स्वर क्या है। जैसे हमने अब तक जो सरगमें की हैं उनमें जो स्वर थे, सा, रे, गा, तो इसमें जो रे है, इस ब्लैक के बजाय हम ये वाइट यूज करेंगे। गा ये था, इसके बजाय हम ये वाइट यूज करेंगे, यानी उससे एक स्वर कम, जिसे हम कहते हैं माइनर। सो देखिए, सा, रे, गा, मा, पा। इसमें हमने रे और गा कोमल इस्तेमाल किए हैं, उसी तरह से हम धा और नी ये इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, लेकिन राग भैरवी में हम ये धा और ये नी इस्तेमाल करेंगे। इन कीज के साथ हमें राग भैरवी में सरगमें करनी है। तो देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। अक्सर आप देखेंगे कि पंजाबी म्यूजिक में, स्पेशली जो फोक है पंजाब का, उसमें राग भैरवी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस आपको राग भैरवी में मिलेंगी, जैसे कि हीर है, छल्ला है, टप्पे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो आपको राग भैरवी में मिलेंगी। आइए मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। भैरवी में सरगमें आप एंजॉय करेंगे और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे।